सिल्क दुनिया के सबसे पुराने और रिचेस्ट फैब्रिक्स में से एक है, और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल फैमिली एक सिंगल शादी में लाखों रुपए तक खर्च कर सकती है सिल्क फैब्रिक के ऊपर। तो सिल्क के बारे में मैं आपको कोई नई बात बताऊं ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे घर घर में ये फैब्रिक है, सदियों से चला आ रहा है, हमारी पीढ़ियों से इसे पहना जाता है, तो बहुत से फैक्ट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। बट सिल्क को बनाने के पीछे का जो प्रोसेस है वो मे बी आप में से लोगों को एंटायरली पता हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको उसका पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगा। अभी आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप सिल्क के कपड़े पहनना चाहते हैं या नहीं चाहते, सिल्क आपके लिए क्या वाकई जरूरी है या नहीं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई ऑल्सो होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि प्लस साइज वुमेन के बारे में थी, ऐसे ब्रांड्स के बारे में थी जो प्लस साइज क्लोदिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी प्लीज मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सिल्क वर्म से आती है, रेशम के कीड़े से आती है। तो वो किस तरीके से इसको बनाते हैं, इन कीड़ों को पाला जाता है, इन्हें लीव्स दिए जाते हैं खाने के लिए, और उसके बाद ये अपने आसपास एक ककून बनाते हैं, एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं ये लोग, उसका एक ककून बनाते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं। तो वो जो पूरा ककून बनता है वो रेशम के धागे का होता है, उसी में से रेशम का धागा लिया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हो जाती है, जब ये कीड़ा अपना एक जीवन काल पूरा कर जाता है, इसके पंख निकलने वाले होते हैं, तो ये उस ककून को उसमें छेद करके बाहर निकलता है और उड़ जाता है। तो वो जो छेद उसमें होता है, उस होल की वजह से उसकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, धागा बीच में से टूट जाता है, जिस वजह से रेशम की क्वालिटी जो है उसे कम माना जाता है, उतना शाइनी सिल्क नहीं बनता, उतना सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क नहीं बनता। सुपीरियर क्वालिटी सिल्क बनता है अगर हमें रेगुलरिटी में लगातार बिना टूटे हुए वो धागा अगर हमें मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि हम उन ककून्स को, उसके अंदर अभी कीड़ा रहता है, वो अभी निकला नहीं है उसके बाहर, उन ककून्स को बॉइल करते हैं सो दैट वो कीड़ा अंदर मर जाए। एंड वी डू दिस जस्ट बिकॉज हमें सिल्क चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी में चाहिए, शाइनी चाहिए और ये रिचेस्ट फैब्रिक हम तक पहुंचे। सो आप में से बहुत से लोग होंगे मे बी जिनके लिए चीज मैटर नहीं करती, एंड आई एम वेरी मच श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा। सो यहाँ पे और भी बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं कि ये बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस है, सिर्फ एक कपड़ा बनाने के लिए एक लाइफ को हम इतनी क्रूअलिटी से खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर उन वीवर्स का क्या जिनकी पूरी लाइफ इस क्राफ्ट पे ही रहे, उनकी पूरी फैमिली इस चीज पे पल रही हैं कि वो सिल्क के गार्मेंट्स बना रहे हैं। हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल रिच क्राफ्ट्स हैं सब सिल्क में बनती हैं, तो उन वीवर्स का क्या होगा। एंड यू ऑल नो जो इस चैनल को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि हम वीवर्स को प्रमोट करने का बहुत एफर्ट करते हैं कि एक्चुअल हैंडीक्राफ्ट की चीजें आप खरीदें, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप खरीदें, हैंडमेड फैब्रिक्स आप लें, जो भी टेक्सटाइल्स में हमारी रिच हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाए। तो उन वीवर्स का क्या होगा, एंड ऑल्सो क्या एक कपड़ा वाकई में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इतनी लाइफ्स को खत्म कर रहे हैं उसके लिए। सो इसका एक एग्जिस्टिंग ऑप्शन ऑलरेडी है हमारे पास, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना कॉमन नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है कि घर घर उसके बारे में पता हो। इस सिल्क को अहिंसा सिल्क बोलते हैं या फिर पीस सिल्क बोलते हैं, और इसका क्रेडिट जाता है श्री कुसुमा रजैया को जो कि इंडियन है और उन्होंने इस सिल्क को बनाया है। सो बेसिकली इसके प्रोसेस को भी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पे वो अलाउ करते हैं उस कीड़े को कि वो ककून में होल करके उड़ जाए, उसके बाद जो सिल्क का धागा होता है उसमें से वो फैब्रिक बनाते हैं। तो अब ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, इसके दो मेजर रीजंस हैं। सबसे पहली बात कि ये रेगुलर सिल्क से इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, सेकेंडली रेगुलर सिल्क से इसकी शाइन भी कम होती है। तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है और शाइन कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शाइन नहीं होती। तो आप में से जो लोग लाखों की एक साड़ी खरीदते हो, अगर वो कुछ हजार और पे करेंगे तो वो अहिंसा सिल्क ले सकते हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये उनको मैटर कर रहा है या नहीं, लाखों की साड़ी में कुछ हजार वो ऐड करना चाहते हैं या नहीं। सेकेंडली, क्या वाकई हमारे लिए इतना शाइनी फैब्रिक इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी शाइन अगर थोड़ी कम हो जाए तो क्या हमें उससे फर्क पड़ेगा या नहीं। दिस इज समथिंग जो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे थॉट प्रोसेस को फॉलो करो या कोई चीज ऐसी है जो हम इम्पोज कर रहे हैं, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन। वो लोग जो रेगुलर सिल्क के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई रियली होप कि ऐसे कुछ लोग हों जो इस चीज को समझें कि
कोई भी चीज दुनिया में, वो भी मटीरियलिस्टिक चीज, किसी की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी अहिंसा सिल्क को अपने बिजनेस में कॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं। द रीजन इज कि क्लाइंट नहीं चाहता कि अहिंसा सिल्क वो बाय करें, उस पर खर्चा करें और शाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सो दिस इज समथिंग जो फैशन इंडस्ट्री आप तक लेके आए, उसकी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप लोग उसकी डिमांड शुरू करेंगे, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, देन डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि ये पॉपुलर सिल्क टाइप होगा और बहुत से लोग इस पे खर्चा करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, जो श्री कुसुमा रजैया जी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे पूछिए सिल्क के बारे में, और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज मेक अ परचेज और देखिए, और आप फील करेंगे एक्चुअली कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। द ओनली चेंज इज कि आपने किसी की लाइफ को सेव किया है। अनकल्टिवेटेड सिल्क को भी या वाइल्ड सिल्क को भी अहिंसा सिल्क ही कहा जाता है। ये ऐसी सिल्क होती है जो जंगलों में जब ये इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं, उसके बाद इनके ककून गैदर किए जाते हैं और उसमें से सिल्क बनाई जाती है, तो वो वाइल्ड सिल्क उसे कहा जाता है, वो भी अहिंसा सिल्क ही है। मूगा, इरी और टसर तीनों वाइल्ड सिल्क की टाइप्स हैं। तो अगर आप एक्चुअल अहिंसा और पीस सिल्क नहीं लेना चाहते तो आप ये अनकल्टिवेटेड सिल्क भी ले सकते हैं, ये सेम प्रोसेस से ही बनती है। सो वी रियली विश कि इस चीज की डिमांड बढ़े और हमारे बिजनेस में ये चीज ऐड हो, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक टाइम ऐसा हो कि इंटायर जो कलेक्शन है वो अहिंसा सिल्क की हो। लेकिन राइट नाउ एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम इस चीज की तरफ दे सकते हैं वो ये है कि मैंने पर्सनली प्योर सिल्क जो गार्मेंट्स हैं, प्योर सिल्क जो फैब्रिक्स हैं, उनको लेना बंद कर दिया है। एंड इफ इन फ्यूचर मेरे को चाहिए कि सिल्क ही पहनना है, आई प्रेफर अहिंसा सिल्क। सो इट्स अ पर्सनल डिसीजन कि आप क्या डिसाइड करते हैं। हमने आपके सामने फैक्ट्स को रख दिया है। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।